Hello students, good time to all. I am Chandan Kwan Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss some properties of gradient. Let us begin. If phi and psi be any two differential scalar function, then grad of phi plus psi is equal to grad phi plus grad psi. We can write this in that of a notation form grad of phi plus I is equal to grad phi plus grad psi let us see how i prove it grad of फाइव प्लस साल डिस ग्रेड ऑफ फाइव प्लस साल इन प्लेस ऑफ ग्रेड एंड राइट दट इज आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाय प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड ओवर फाइव प्लस इज इक्वल टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स फाइव प्लस साई प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई फाइव प्लस साई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड फाइव प्लस शाय इज इक्वल टू आई कैप डेल फा बाय डेल एक्स प्लस आई कैप डेल साल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाय प्लस जे कैप डेल साय बाय डेल वाय प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड प्लस के डेल डेलसाय बाय डेल जेड सेपरेट दिस टर्म्स लाइक आई डेल डेलफा बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस के डेल डेलफाई बाय डेल जेड प्लस आई डेल डेलसाय एक्स जे कैब डेल साय बेल वाय प्लस के कैब डेल साय बेल जेड इज इक्वल टू दैट इज ग्राड फाय प्लस ग्राड ऑफ साय आज इ टेकन ग्राड ऑफ फाय प्लस साय दैट इज प्रूव ना When these two are product of these two functions, that is, grad of phi psi is equal to phi of grad psi plus psi of grad phi. That is, in notation, that is, grad of phi psi is equal to phi of grad psi plus psi of grad phi. How I prove it? Let us see. Very simple to prove this. प्रूफ ग्राड ऑफ फाय शायड आई कैब डेल बाय डेल एक्स जे कैब डेल बाय डेल वाय प्लस के कैब डेल बायल जेड फाय शाय आई कैफ डेल फाइव ऑफ डेल एक्स जे कैफ डेल फाइव शाय डेल वाय प्लस के कैफ डेल फाइव शाय बाय डेल जेड प्रोडक्ट ऑफ टू दैट मीन्स फर्स्ट टर्म टीटार्ज कंसटेंट रेड वेड सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म रिटार्ज कन्सटैंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट दैट्स वाई यू कैन राइट आई कैफ फाय डेल साल बाय डेल एक्स प्लस साल डेल फाई वाई डेल एक्स प्लस जे कैफ फाइ डेल साल बाई डेल वाई प्लस साय डेल फा बाय डेल वाई प्लस के कैफ फाइ डेल साल बाई डेल जेड प्लस आए डेल फाय बाय डेल जेड इज इक्वल टू आई क्या फाय डेल बाय डेल एक्स प्लस जे क्या फाय डेल बाय डेल वाई प्लस के कैफ फाय डेल बाय डेल जेड प्लस आई क्या साल डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस जे क्या साल डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस के क्या साल डेल फाई बाय डेल जेड टेकिंग फायच कॉमन आई कैफ डेल साल बै डेल एक्स प्लस जे कैफ डेल डेल वाई प्लस के कैफ डेल डेल जेड प्लस साल टेकन एच कॉमन दैट इज आई कैफ डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैफ डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के कैफ डेल फाय डेल जेड यार फोर फायज ग्रारियंट अफ स्ल स ग्रारियट ऑफ फायर फोर ग्राड ऑफ फाय सूव now the division of that of two function what is that of gradient when these two functions are divided that is grad of phi by psi that is psi of grad phi minus phi of grad psi divided by psi square see how to prove ग्रार्ड ऑफ फाय बाई स इज इक्वल टू ग्राड ऑफ फाय सर्स सू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू ग्राड इन प्लेस ऑफ ग्राड वी कैन राइट आई कैफ डेल बाय डेल एक्स जे कैफ डेल बाय डेल वाय प्लस के क्या डेल बाय डेल जेड फाय शाय इन भर्स इज इक्वल टूट इज आई क्या डेल फाय शाईन भर्स ऑफ डेल एक्स प्लस जे क्या डेल फाय शाईन भर्स ऑफ डेल वाय प्लस के क्या डेल फाय शाईन भर्स ऑफ डेल जेड दट इज आई कैफ सा डेल डेलफा बै डेल एक्स प्लस फाई डेल शाइनस डेल एक्स प्लस जे कैफ डेल डेलफाई बै डेल वाई प्लस फाई डेल शाइनस डेल वाई प्लस के कैप साइन इनवर्स डेल फाई डेल जेड प्लस डेल साइन इनवर्स बाय डेल जेड इज इक्वल टू आई कैफ इज फा इनवर्स डेल फाई डेल एक्स द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स

माइनस वन माइनस टू डेल बाय डेल वाई प्लस के क्या साल माइनस वन डेल फाय बाय डेल जेड प्लस फाय माइनस वन माइनस टू डेल बाय डेल जेड इज इक्वल टू आई कैफान बाय डेल एक्स माइनस फाइ वाई स्क्वायर डेल डेल एक्स प्लस जे कैप वन डेल ब

वी कैन रिअरेंज आई क्या वन बाय डेल एक्स प्लस जे कैप वन बै साल डेलफाई बाय डेल वाई प्लस के कैफ वन बाई सेलफा बाय डेल जेड माइनास आई क्या फाय बाई स स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स माइनस जे क्या फाय बाई स स्क्वायर डेल बाय डेल वाय माइनस के क्या फाय बाई स स्क्वायर डेल साल बाय डेल जेड इज इक्वल टू वन बाय ब आई क्या फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे क्या फाइव बाय डेल वाई प्लस के क्या डेल फाइव बाई डेल जेड माइनस फाइ ब टेकनास कॉमन वी कैन राइट आई क्या डेलसाई बाय डेल एक्स जे क्या डेलसाय बाई डेल वाई प्लस के क्या del psi by del z is equal to 1 by psi that is grad of phi minus phi by psi square that is grad of psi that's why we can write grad is the division of two function that is phi by psi we can write that is psi of grad phi minus phi of grad psi divided by psi square, and proved. In this way, we study four basic properties to that of gradient. Now, we solve some problems related to gradient.

इज द पोजिशन भेक्टर दैट्स वाई यू कैन रईट आई कैफ एक्स जे कैप वाई प्लस के कैफ जेड हुईज इम्प्लाइज आर दैट इज द मैग्नेट्यूड ऑफ आर भेक्टर एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र स्क्वाट दे आर फोर ग्राड ऑफ आर दैट इज ग्राड ऑफ आर आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड ओवर आर हुई इम्प्लाइज ग्राड ऑफ आर आई कैप डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर बाय डेल वाई प्लस के क्या डेल आर बाय डेल जेड इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डेल आर बाय डेल एक्स देन सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट डेल आर बाय डेल वाई एंड डेल आर बाय डेल जेड नाउ डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ इन प्लेस ऑफ आर X square plus Y square plus Z square to the power half is equal to half X square plus Y square plus Z square half minus one into two X is equal to X डिवाइडेड बाय स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज डेल आर बाय डेल एक्स दट इक्वेशन नंबर टू सिमिलरली डेल आर बाय डेल वाई दैट इज वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्र रूट थ्री डेल आर बाई डेल जेड इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वा प्लस जेड स्क्वा स्क्वा रूट इक्वेशन नंबर फोर नाउ युट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन वन दे आर फोर ग्राड ऑफ आर आई कैन राइड आई कैफ एक्स जे कैफ वाई प्लस के कैफ जेड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट और ग्राड आर इज इक्वल टू दट इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट देर फोर ग्राड आर इज इक्वल आर वेक्टर दिस इज द मैग्नेच्यूट ऑफ आर वेक्टर, मैग्नेच्यूट ऑफ आर वेक्टर और ग्राड आर इज इक्वल टू आर कैप, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैगनेच्यूट ऑफ आर वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर, आर कैप। नाउ अनदर प्रॉब्लम टू दैट ऑफ ग्रेडिएंट The question is find grad r to the power n, where r vector is the position vector. How we find out the solution of that question by using.

आर टू द पार एन डेल एक्स जे कैफ डेल आर टू द पार एन डेल वाई प्लस के कैफ डेल आर टू द पार एन बाय डेल जेड इक्वेशन वन नाउ डेल आर टू द पार एन बाय डेल एक्स डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Plus z square to the power n by 2 is equal to n by 2 x square plus y square plus z square n by 2 minus 1 into 2x is equal to nx to x square plus y square. प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर एन माइनस टू बाय टू टूट इक्वेशन नंबर टू सिमिलरली डेल आर टू द पार एन डेल वायज इक्वल टू एन वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर एन माइनस टू डिवाइड बाय टू इक्वेशन नंबर थ्री एंड del r to the power n divided by del z that is n z x square plus y square plus z square to the power n minus 2 divided by 2 equation number 4. Using these three equations that is 2, 3 and 4 and putting these values in equation 1 we get grad of r to the power n that is i cap एन एक्स प्लस जे कैफ एन वाई प्लस के कैफ एन जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेर प्लस जेड स्क्वेयर टू द पावर एन माइनस टू बाई टू इज इक्वल टू एन टेकिंग एट कॉमन दैट इज आई कैफ एक्स प्लस जे कैफ वाय प्लस के कैफ जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेर प्लस जेड स्क्वेर टू द पावर एन माइनस टू डिडेड बाय टू फ्वेयर एज आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाय स्क्र प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू एन आर वेक्टर ऑफ दैट ऑफ आर स्क्वायेर टू द पावर एन माइनस टू डिडेड बाय टू दिस तो आर वेक्टर इन प्लेस ऑफ दिस दूट ऑफ आर वेक्टर आर स्क्वेयर n minus 2 divided by 2 that is grad r to the power n is equal to n r vector r to the power n minus 2 that not n minus 2. Also putting r vector is equal to its magnitude and direction we get ग्राड आर टू द पावर एन इज इक्वल टू एन आर टू द पावार एन माइनस वन आर कैफ आजयी पु आर वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नेच्य एंड इट्स डिरेक्शन इन जेनरल उन रार्ड ऑफ लेट फायर इट्स कलर फांगशन द वैल्यू लाइक दैट ऑफ फाइव डैस आर ऑफ आर कैप आज ग्राड ऑफ आर टू द पार एन दैट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर दैट इज एन आर टू द पार एन माइनस वन एंड इट्स इन दैट इज आर कैप सिमिलरली इफ फाय आर इज दैट ऑफ स्कालर फंक्शन देन द ग्राड ऑफ फाय आर इज इक्वल टू दैट डेरिवेटिव फास्ट डेलिवेटी दैट इज फाइव डैस आर Of that of unit vector, that is R cap. In this way, with the help of this video lecture, we understand the concept of some basic properties to that of gradient. The basic properties the addition, multiplication, and uh, finally, the division method to that of gradient. And by using these properties, we solve two problems related to the concept of gradient of a scalar so with the help of this video lecture let me wind up this session thank you